दोस्तों, तो अब हम देखते हैं जो ला शातेलिया प्रिंसिपल फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी वैलिड है या नहीं। लेट्स सी। तो हम लोग थोड़ा फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स लेते हैं। क्या है उसमें, ध्यान दो। मान लो H2O सॉलिड यानी आइस ये कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, राइट? एंड ऑब्वियसली बात है, सॉलिड से जो अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं तो डेफिनेटली हीट जो है वो हमारा एब्जॉर्ब होगा। सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करके ही तो डेफिनेटली हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक बात हम जानते हैं, जो डेंसिटी ऑफ आइस इज अ लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये वाला जो है, दिस इज द मोर वॉल्यूम साइड एंड दिस इज द लेसर वॉल्यूम साइड, राइट? सो ध्यान देना, अगर मैं पी को इंक्रीज करता हूं अगर मैंने पी को इंक्रीज किया, राइट? सो दैट इंप्लाइज क्या होगा? अच्छा, प्रेशर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो डेफिनेटली वो लेसर वॉल्यूम वाले साइड पे जाना चाहेगा। भाई प्रेशर को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो मैं वॉल्यूम को कम करने का ट्राई कर रहा हूं, सो इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर वॉल्यूम। तो लेसर वॉल्यूम अगर वो करना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज प्रेफर्ड। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जो अगर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर melting point of ice decreases, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता जाऊंगा तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस में अगर 1 atm में पिघलता है तो 2 atm प्रेशर में डेफिनेटली -2 -3 ऐसा कुछ डिग्री सेल्सियस में वो पिघलने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। एंड सिमिलरली ध्यान दो, ये वाला जो डायरेक्शन है वो हमारा एंडोथर्मिक डायरेक्शन है। तो लिक्विड टू सॉलिड इज अ एंडोथर्मिक डायरेक्शन दैट इंप्लाइज एडिशन ऑफ हीट will move it in forward direction। यानी हीट अगर मैं ऐड करूंगा तो आइस का जो मेल्टिंग होगा वो मेल्टिंग हमारे लिए प्रेफर्ड होगा। समझ में आया? तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में भी हम इस तरीके से ला शातेलिया प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ओके दोस्तों, केमिकल इक्विलिब्रियम के थ्योरी लगभग लगभग हमारे खत्म हो गए हैं। दो पर्टिकुलर चीज होते हैं जिसको हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस एज सच नहीं कर पाएंगे, बस मैं क्वेश्चन लिख के छोड़ दे रहा हूं। सॉल्व कैसे करना है जब मैं पूरा क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? पहले हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व करनी है, जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम लोग इसको बहुत ही ज्यादा विस्तार में डिस्कस करेंगे। अभी मैं
दो और इंपॉर्टेंट बस जो पॉइंट्स हैं वो लिख दे रहा हूं। पहला है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। यानी मान लो एबी सॉलिड जो है वो हमें देता है ए गैस प्लस बी गैस, इसका केपी मान लो दे रखा है 400 टॉर स्क्वायर। और दूसरा एसी सॉलिड वो हमें देता है ए गैस प्लस सी गैस, वो है मान लो 4900 टॉर स्क्वायर। तो इन अ कंटेनर एबी एंड एसी आर एडेड, कैलकुलेट द फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो ऑब्वियसली यहां पर दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है और दोनों रिएक्शन आपस में इंटरलिंक्ड है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए। अच्छा, अगर मैं ब्लाइंडली सोचूं, अगर मान लो केवल ए बी डालूंगा तो इसका तो पार्शियल प्रेशर 1 है, तो इसका है मान लो P1, इसका है मान लो P1 इक्विलिब्रियम में, तो P1 स्क्वायर जो हो जाएगा वो मेरा 400 है, तो P1 जो है वो हमारा 20 टॉर है। और ये अगर मैं डालता हूं तो उसी लॉजिक से ये P2 है, ये P2 है, अगर मतलब मैं केवल AC डालता हूं तो P2 स्क्वायर मेरा 900 है, तो P2 मेरा 30 है। अच्छा, सो अगर मैं केवल और केवल ए को इंडिपेंडेंटली डालता हूं तो टोटल प्रेशर क्रिएट होगा 2 into 20 दैट इज 40 टॉर। और इसको अगर मैं केवल डालूंगा तो यहां पर प्रेशर बनेगा 2 into 30 दैट इज 60 टॉर। लेकिन दोनों को अगर मैं साथ में डाल दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, टोटल प्रेशर 100 टॉर नहीं होगा। मैं लाश हथेलिया से एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। अगर मैं AB का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, A इज अ प्रोडक्ट, मान लो ये पूरा 2020 में टूट गया, लेकिन नीचे वाले इक्विलिब्रियम के कारण बाहर से A सप्लाई हो रहा है, तो जैसे ही प्रोडक्ट सप्लाई होगा तो ये वाला रिएक्शन मेरा बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पहले 2020 में टूट रहा था अब डेफिनेटली ये 20 नहीं टूट पाएगा, उससे डेफिनेटली कमी टूटेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं एसी का पॉइंट ऑफ व्यू लू तो पहले जो 30-30 में टूट रहा था, ये वाला ए ऐड होने के कारण डेफिनेटली अब 30-30 से कमी टूटेगा, यानी जो फाइनल प्रेशर होगा वो हमारा जो टोटल प्रेशर है जो 100 टॉर हम सोच रहे थे उससे तो डेफिनेटली कम ही आने वाला है। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को कैसे हैंडल करना है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे आसान क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ये एक पहला प्रोफाइल है। और दूसरा प्रोफाइल है सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम। नाउ सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम में क्या है, मान लो ये है 2A गैस इन इक्विलिब्रियम गिव्स A2 गैस, 2B गैस डाल हो गया B2 गैस, बट जो प्रोडक्ट्स है A2 प्लस B2 ये भी सो
यह मान लो K1, यह है मान लो K2, यह है मान लो K3। तो K1, K2, K3 दे रखा है, तो स्टार्टिंग में ये दोनों रिएक्शन होगा, बट A2 और B2 दोनों हमारे प्रोडक्ट है जो इस वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर A2 और B2 कंज्यूम होगा। A2 और B2 जैसे ही कंज्यूम होगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम मेरा डिस्टर्ब होगा, जिस कारण पे ये दोनों रिएक्शन अब मेरा फॉरवर्ड ड्राइव होने वाला है। ऐसे क्वेश्चनों को भी कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी हम बहुत ही ज्यादा विस्तार में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे थ्योरी पढ़ चुके हैं और एक एक करके आसान से चालू करते हुए एकदम टफ क्वेश्चन तक हम सारे चीज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्मोडायनामिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़े हैं, वहां पर थर्मोडायनामिक्स पहले पढ़ाया जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम बाद में, लेकिन मैं पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूं। तो इसका जो थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट है वो मैं एज इट इज उठा के थर्मोडायनामिक्स में डाल दिया हूं, तो जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। डोंट वरी, जब तुम उस थर्मोडायनामिक्स में पहुंचोगे तो अपने आप ये पार्ट भी कवर हो जाएगा, बट राइट नाउ हम लोग केवल और केवल केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसेंट्रेट करते हैं। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा काफी ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, अदरवाइज इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम, वो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बुरी तरीके से सफर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम केमिकल इक्विलिब्रियम को पहले स्ट्रांग कर डालते हैं। ओके, थैंक यू।